और ये अजीब बात है कि बिहार के लोगों ने मुझे कभी नहीं पूछा, लेकिन दो दो बार ये वजीर आला नीतीश कुमार ने मुझे पूछा। एक बार 2009 में इन्होंने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया मुझे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और आज फिर ये मुझे नवाज रहे हैं अकबर राजा जमशेद, जो मेरे बड़े भाई हैं और जिन्होंने मुझे बराबर उकसाया कि शौकत यार तुम मोहम्मद रफी का गाना मत गाओ, तुम अदब लिखो, तुम अफसाने लिखो। और मैं आज नीतीश कुमार जी का और अकबर राजा जमशेद का और रेहान अली भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम हजरात का और राम मनोहर लोहिया का, जिसने मुझे सिखाया कि तुम आवाम का साथ देते हुए इनकलाब की समत में कैसे अपने अफसाने की धार को तेज करते हुए इनकलाब की तरफ कदम बढ़ाओगे। आप तमाम हजरात का साहब, आपको माइक की जरूरत नहीं पड़ी। आपने इतनी मोहब्बतों से इतने अवार्ड दिए, तो इसके एवज में शौकत हया साहब उन पर कोई किताब लिखे, मेरी यह ख्वाहिश। लिखिए लिखिए हजरात, अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के सिलसिले में एक नाम है, वो सैयद आबिद इमाम जैनी हैं। आप शायर भी हैं, नकल नियार भी हैं और नकाल भी हैं, बहुत ही अदीब हैं। मैं चाहता हूँ कि अकबर का जमशेद अवार्ड